परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया, 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। चुनो कृषि ने साधना की, भगवान मिला नहीं, सिद्धियां एटम बम बन गया। एक मानदाता चक्रवर्ती राजा था, पूरी पृथ्वी का शासन जिसका हो उसको चक्रवर्ती राजा कहते हैं। अब ये चक्रवर्ती राजा ये अपनी पृथ्वी पर ये देखना चाहते हैं अपने शासन काल में कि मेरे अंतर्गत मेरे अधीन जितने नवाब हैं, राजा हैं, छोटे नरेश हैं, उन्होंने किसी ने मेरी प्रभुता मेरी प्राधीनता अस्वीकार तो नहीं कर दी है, इसलिए एक अश्वमेघ का घोड़ा छोड़ देते हैं अश्वमेघ यज्ञ के लिए, उसके साथ कुछ सैनिक भेज देते हैं और राजा का पर्सनल हॉर्स होता है अपना घोड़ा, उसके गले में एक पंपलेट लगा देते हैं, लगा दिया कि राजा मानदाता राजा के पास इतनी सेना है, 72 करोड़ सेना है, और जिस भी राजा को इस मानदाता चक्रवर्ती राजा की प्राधीनता स्वीकार ना हो, घोड़े को पकड़ लो, अपने पास बांध लो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। पूरी पृथ्वी पर वो घोड़ा घूम आया, सब ने पढ़ लिया पंपलेट कि 72 करोड़ सेना, सब चुप हो गए, किसी ने हिम्मत नहीं की घोड़े को पकड़ देने की अर्थात युद्ध करने की, तो पूरी पृथ्वी पर विजयी साबित हो गया वो। वापस आ रहे थे, चुनक ऋषि वहां तपस्या किया करता था, उसकी कुटिया के पास से वो गए थे, वहीं से वापस आ रहे थे। उसने पूछा कि सैनिकों ये घोड़ा खाली क्यों है, इस पर सवार क्यों नहीं, बाकी पर तुम सब विराजमान हो, सवार हो। सैनिकों ने बताया कि ऋषि जी ये मानदाता चक्रवर्ती राजा का घोड़ा है, इस पर कोई बैठ नहीं सकता। और तुम गए कहाँ थे, ऋषि ने पूछा कि हम पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा कर आए और ऐसे ऐसे हमारा उद्देश्य था। तो राजा ने कहा कि क्या किसी ने इस राजा का युद्ध नहीं स्वीकार किया, इतना प्रबल है ये। तो सैनिकों ने कहा कि हमारे राजा के पास 72 करोड़ सेना है ऋषि जी, और है किसी की हिम्मत, उसकी जाड़ फोड़ दे हम। अब ऋषि ने सोचा देखो विदकाल के हाथ में, पहले तो इनको एटम बम बनाता सिद्धियों से, गलत साधना शास्त्र विधि रहित मनमाना तप तपवा के, जैसे विष्णु जी कह रहे थे देवी पुराण में कि मैं पहले तो घोर तप को तपता हूँ और फिर बैटरी चार्ज हो जाए सिद्धिया जा, फिर राक्षसों से लड़ता हूँ, उन नरे राक्षसों को मार डालता है उसके बैड अकाउंट में हैं, और फिर जब ये विष्णु पद से रहित होगा मरेगा फिर इसको कुत्ते की योनि में, होय होय ऐसा धोखा करता है अपने आत्माओं, परमात्मा बताते हैं। फिर उधर से काल के हाथ में रिमोट था, उसने उसकी रिमोट से ऋषि के अंदर प्रेरणा भर दी कि इसमें तो अभिमान हो गया राजा में, इसका अभिमान ठीक करना चाहिए। ऋषि खड़ा हुआ और कहने लगा भाई इस घोड़े को मैं पकड़ लेता हूँ और मैं तुम्हारे राजा का युद्ध ओट लेता हूँ। सैनिक कहने लगे रे कंगले कंगाल, तेरे दाने खाने को नहीं, और युद्ध करेगा तो मानदाता चक्रवर्ती राजा के पास अपने फेरले माड़ा बोलवाला बैठ के, मत पंगे म पा दे, जपले अपनी भक्ति कर, दुणसा काम करया करे ऋषि वही कर तू। ऋषि बोला भाई मन ने तो पकड़ दिया है घोड़ा और जाओ कह दो तुम्हारे राजा ने, वह तो त्यार थोड़ा बांध दिया घोड़ा उसके वृक्ष के झोपड़ी जिस वृक्ष पर डल रही थी, राजा को आके सुना दिया कि ऐसे ऐसे पूरी पृथ्वी पर तो किसी ने आपका घोड़ा पकड़ा नहीं, एक चुनक नाम के ऋषि ने आपका युद्ध स्वीकार कर लिया। अब राजा को बताया गया मंत्रियों के द्वारा कि जी आज एक व्यक्ति ने हिम्मत करी है कल दूसरा करेगा, ये राजनीति होती है, ऐसे तो सिर उठाएगी दुनिया,
इसको कुचल डालना चाहिए। राजा बोला जाओ 18 करोड़ सेना एक बार भेज दी तो उसके एक व्यक्ति को मारने के लिए, ताकि और भी डर जाए, भयभीत हो जाए कि इतनी सेना आ गई हो तेरे की, तो बड़ा तगड़ा राजा है। उधर से ऋषि ने अपने सारे जीवन में जो डड़े डोए थे उसकी 4 एटम बम बना दिए वचन से, सिद्धि से। सिद्धि का बहुत बड़ा एटम बम, ये साइंस वाले थे फेल उनके आगे, अगर किसी में वचन शक्ति हो संत के अंदर तो इन सारे फेल कर दे, वो वैसे वहीं के वहीं पानी बना दे। ऐसी सिद्धियां भी होती हैं। अब ऋषि ने अपनी 4 पुत्री बना ली, 4 एटम बम बना दिए अपनी सिद्धि से, अपनी शक्ति भक्ति जो सारा दिन सारे जीवन में डले डोए थे। एक पुतली छोड़ दी, 18 करोड़ अक्षौणी सेना का कतलेआम कर दिया, नाश कर दिया। राजा ने दूसरी टुकड़ी 18 करोड़ की भेज दी, ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ दी, 72 करोड़ सेना चक्रवर्ती राजा की नाश कर दिया। अब इसके बारे में सूक्ष्म वेद में बताते हैं, 72 अक्षौणी खा गया ये चुनक ऋषि सुवर एक, दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेख। हे भगवान, कबीर साहेब दी छोड़, परमेश्वर ने आके बताया कि ये 72 अक्षौणी 72 करोड़ सेना खा गया कौन? वो ऋषिवर, ऋषि स्वर, ऋषियों में भी श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ ऋषि के ये लक्षण है यहाँ के नकली ऋषियों के। इनको हम ऋषि कहें तो राक्षस कहना चाहिए इनको। बता ऋषि का के मतलब पंगा लेने का, वो अपनी भक्ति करे राजा अपना काम करे जाने तो करता रहे। तो ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए ये ऐसे लोग हैं, और इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी साधना भी उत्तम नहीं अनुत्तम है, इसे कुकर्म करेंगे फिर ये बाद में इसको करके ने। अब क्या बताया भगवान ने कबीर साहब ने कि 72 अक्षौणी खा गया, कतलेआम कर दिया इसे ने खा ली वो, और चुनक ऋषि ईश्वर एक ये दे धारे मौत फिर है जोरा माने मौत तुम न ऋषि को, ये तो चलते फिरते जल्लाद हैं जल्लाद, थोड़ा सा इन्हें छेड़ दे जब तेरा जोर नाश होगा। पहले संतों के ये काम होया करें, कबीर परमात्मा आए थे भगवान, पत्थर मारे डले मारे, तेल के उबलते हुए सरसों के कढ़ाई में डाल दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए, फिर भी खड़े पाए मालिक, और किसी को बद्दुआ नहीं दी। ये होते महात्मा, सर्वगुण संपन्न है कबीर परमात्मा, वो पूर्ण विद्वान वही थे, जगत गुरु वही थे, और तत्वज्ञानी तत्वदर्शी संत वही थे, विद्वान वही थे और भगवान वही हैं। अब कहते हैं 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषि ईश्वर एक, ये दे धारे मौत पर है, ये जोरा जोरा माने मौत है, ये ऋषि दे धारे मौत पर है, ये सभी काल के भेख ब्रह्म तक की साधना की, इसे भेख माने टोल के टोल झुंड के झुंड ऐसे ऐसे। तो ये और फिर क्या होगा इसके साथ, ये ऋषि जिस इसने ओम नाम का जाप किया और हठ योग किया, अब हठ योग से तप सिद्धियां प्राप्ति, ओम नाम से ब्रह्म लोक प्राप्ति, ये ब्रह्म लोक में जाएगा, वहां देवता बन जाएगा, उसके बाद फिर ये पुनक्षीन होने के बाद फिर पृथ्वी पर आएगा, राजा बनेगा, राजा बनकर कि तो शिकारी बनकर शिकार मारेगा, दुनिया जीवन सा करेगा, राजा एक दूसरे के साथ लड़के करेगा, यानी फिर कर्म फोड़ेगा, फिर इसको कहाँ भेजेंगे, नरक में ठोकेंगे, नरक भोग कर फिर पृथ्वी पर आएगा, फिर ये कुत्ता बनेगा ये चुनक ऋषि, और इसके सिर में कीड़े पड़ेंगे जख्म, और जितने ये जीव हिंसा करे थे बाणदाता चक्रवर्ती राजा के, वो कीड़े उसको चुन चुन कर खाएंगे। तो इसलिए गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है कि ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, ये चले थे तो परमात्मा प्राप्ति के लिए, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये अपने आप निष्कर्ष निकाल कर एक दूसरे से सुन सुना कर और ये समर्पित हो गए मेरे पे, ब्रह्म कहता है काल, और मेरे वाली अनुत्तम गति में सचित रहे, यानी मेरे से जो इस ओम से मेरी क्रियाओं से ओम नाम के जाप से जो लाभ मिलना था वही तक गति हुई इनकी, और वो अनुत्तम गति है, अनुत्तम घटिया, अब इस तो बुंडी के घटिया होगी, सारे जीवन डले डोए और फिर एटम बम बन गया बबूल का पेड़ आम के स्थान पर, संत तो आम के पेड़ होने चाहिए, डले मान उसको भी फल दे।
और ये बबूल मड़ा हथला दे दो गड जा उस बिकत ही है गीतरे, इनको ऋषि कहा करते थे हम, परमात्मा ने आंख खोल दी हमारी। तो इसलिए कहा कि है तो अच्छी आत्मा लेकिन मेरे वाली अनुतम गटिया गति में स्थित रहे। क्यों? क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत ना मिला। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। और आज इन सब सदग्रंथों ने समर्थन किया, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार, पूर्ण परमात्मा सर्वसृष्टि रचनहार, ये कबीर साहब जी हैं, कबीर परमेश्वर जी हैं। ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, पूरी सृष्टि असंख्य ब्रह्मांडों के रचनहार हैं। पुण्यात्माओं, हम यहां काल के जाल में फंस चुके हैं। 21 ब्रह्मांड इस काल भगवान का शासन है, इसकी प्रभुता है 21 ब्रह्मांड में। एक ब्रह्मांड के अंदर 14 लोक और साथ में ये पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक और 88,000 खेड़े ब्रह्मा विष्णु महेश, 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता, 18 भार बनमाला, 96 करोड़ मेघमाला, 49 कोट पृथ्वी, ये एक ब्रह्मांड के अंदर सामग्री होती है। ऐसे ऐसे इस काल भगवान के 21 ब्रह्मांड हैं। इन 21 ब्रह्मांडों का भी फिर एक ही ग्रुप है, जैसे भारतवर्ष के अंदर प्रांत भिन्न भिन्न हैं और उनका मेन कंट्रोलर प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति जी है, इन सभी प्रांतों को मिलाकर भी एक ही देश कहलाता है। ऐसे ही जानो इस काल के 21 प्रांत हैं, ओवरऑल ये कंट्रोलर है, इसको सर्वपुरुष भी कहते हैं। हम इस काल के लोक में अपनी गलती से आ गए, हम सतलोक में रहा करते थे जहां पर जरा और मरण नहीं है। जरा मीन वृद्धावस्था बुढ़ापा, और मरण मृत्यु नहीं है, वहां पर किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है, वहां कोई भी कार्य आपको नहीं करना पड़ता है। आपका शरीर ये 5 तत्वों से बना हुआ पुतला नहीं होता, 1 तत्व से बना हुआ आपका शरीर होता है, जिसमें नाड़ी तंत्र नहीं होता, जिसके कारण ना बीपी हाई होता ना लो होता, वहां किसी भी पदार्थ का अभाव नहीं है। जो यहाँ की 4 मुक्तियां हैं ये तो क्षीणिक हैं, इनका तो अंत होता है। यहाँ के भगवान ने, यहाँ के स्वामी काल ने, ज्योति निरंजन ने, जिसको सर्वपुरुष भी कहते हैं और इसको ब्रह्म भी कहते हैं, इसने सभी पदार्थों का और सभी व्यवस्था का सतलोक की नकल करके बनाया है, उसका प्रतिबिंब डाल रहा है। अब जैसे एक तो सोने का आभूषण हो, एक पीतल का हो, वैसा ही हो,
लेकिन उसकी क्वालिटी और कीमत में दिन रात का अंतर होता है। ऐसा ही समझो, वहाँ पर भी हम सभी का ऐसा ही शरीर है, मनुसदृश शरीर है, और ऐसी ही आपकी सृष्टि होगी, आपका परिवार होगा, और वो ऐसा परिवार होगा जिसमें ना कोई रोग होगा, ना मृत्यु होगी, कोई अभाव नहीं होगा। यहाँ जो बुरा हाल हुआ पड़ा है, ऐसा वहाँ कुछ नहीं है। तो पुण्यात्माओं, जैसे किसी व्यक्ति को यहाँ बरवाला में प्लाट मिला हुआ है, मकान बना रखा है, और उसको कोई कहे कि चलिए आप चंडीगढ़ के अंदर, और आपको वहाँ बढ़िया मकान दिलाते हैं और वहाँ रहिए, तो जिस व्यक्ति को वो तुलना का पता होगा कि वो बहुत अच्छा शहर है, बरवाला की तुलना में वहाँ सब सुविधाएं अधिक हैं, तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो वहाँ ना जाने की इच्छा करे, और वहाँ व्यवसाय यहाँ से अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, कई हजार गुना होगा, तो तुरंत त्याग देगा बरवाला को। तो जब तक आप जी का ये विश्वास नहीं होता कि सतलोक के अंदर ऐसा सुख है, तो आपकी इच्छा बन ही नहीं सकती। तो ये कहाँ से विश्वास हो, उसका कुछ आधार तो बनाना ही पड़ेगा आपने, कि हम इस आधार से तो मान सकते हैं कि वहां ये व्यवस्था है। अब उसके लिए काल ने एक जाल फैला दिया, ये काल के पंथ चालू कर दिए, राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ये सच्चा सौदा डेरा, धन धन सतगुरु पंथ, और जगमालवाड़ी और सिरसा वाला, ये दिनोद के अंदर, भिवानी के अंदर, हरियाणा में ताराचंद जी ने वही राधा स्वामी ही पंथ का बीज बो रखा है। ऐसे ही कृपाल सिंह जी दिल्ली के अंदर, सावन कृपाल मिशन, ब्यास के अंदर राधा स्वामी पंथ, आगरा के अंदर, और भी बहुत गणेश ठाकुर जी, और पता नहीं कितने किए इन्होंने, काबली की करबो दी। ये सभी डुप्लीकेट पंथ हैं, काल के पंथ हैं, इनके पांचों नाम काल के हैं। अब नाम से मोक्ष होगा, क्योंकि संत मता पूर्ण रूप से नाम पर आधारित है, तो नाम सच्चा हो तो मोक्ष होगा, नाम झूठा है तो मोक्ष नहीं होगा। तो इनके पांचों नाम नकली हैं, काल के ही जाप हैं। जहाँ आशा ता बासा हुई, अब जहाँ की टिकट बनवा रखी है, जहाज तो वहीं जा छोड़ देगा आपको, तो इन्होंने काल की टिकट बना रखी आपकी, और आप काल के ही जाल में रहोगे। तो इन्होंने क्या बताया है, एक निरंकारी पंथ है, और एक ये अंसादेश पंथ है, जो सतपाल जी महाराज और ये प्रेम राउत, बाल योगेश्वर जी अमरीका दीवनों के बहुत गुणा प्रचार कर रखे। काबली की करता अपने आप उग जाया करे, उन्हें बोन की जरूरत ना पड़ती, ना देखभाल की हो सकता। आम के पौधे लगा के देखो तो सब नकली पंथ हैं, मनमुखी साधनाएं हैं, निराधार उनके मंत्र हैं, किसी भी सदग्रंथ से मेल नहीं खाते, और कोई उनके मर्यादा नहीं है, जिस कारण से भोले श्रद्धालु उनको परम संत मानकर उनकी शरण ग्रहण करके अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। ये क्या बताते हैं कि सतलोक के अंदर परमात्मा नहीं है, केवल प्रकाश ही प्रकाश है, और वहाँ मुक्त आत्माएं जो यहाँ से मोक्ष प्राप्त करके जाती हैं, वो सतलोक के अंदर ऐसे समा जाती हैं सतपुरुष में, जैसे बूंद समुद्र में वो एक भाव हो जाता है, एक रस हो जाती है। बताओ,
और इस आधार से भी करोड़ों प्राणी उनके पीछे लगे हुए हैं, उन्हें ये नहीं सोचा कि ये क्या कह रहे हैं, और निराधार व्याख्या बना रखी है। तो इसके लिए हमने ये कौन सी सच्ची है, उन सभी संतों की बातें सत्य हैं या ये दास बताने जा रहा है आपको वो सत्य है, इसका निर्णय कैसे होगा? इसका निर्णय होगा अपने सदग्रंथों से और उन महापुरुषों से जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया, सचखंड को देखा और फिर वापस आए। जो व्यक्ति वहां जाकर के वापस आया है तो वो जो बताएगा वह सच्ची होगी, वह सत्य होगा। अब एक तो स्वयं परमात्मा ने आके ज्ञान दिया, परमेश्वर कबीर जी ने, अब परमेश्वर कबीर जी ने जो ज्ञान दिया प्रथम तो वही फाइनल है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को परमात्मा ही ठीक ठीक बता सकता है। उन्होंने आकर के स्वयं ये ज्ञान दिया, उसके बाद उस परमेश्वर ने हमारे लिए, परमात्मा ने कृपा की, हमें कृतार्थ किया, उन महापुरुषों को सचखंड दिखाया, सतलोक, और फिर वापस छोड़ दिया ताकि वो गवाह बने कि सतलोक के अंदर सचमुच ये व्यवस्था है। अपने आत्मा परमात्मा ने एक और दया करी अपने पर, अपनी अमृतवाणी में उन्होंने सब कुछ लिख दिया, लेकिन वो अमृतवाणी इतनी लंबी चौड़ी बना दी, इस तत्व ज्ञान को उसके अंदर छुपा दिया, और साथ में उन महापुरुषों से भी कह दिया गया था कि अभी इस यथार्थ ज्ञान को केवल तुम इन श्लोकों के माध्यम से ही बताना, गद्य भाग से मत बोलना। तो उन्होंने पद्य भाग में यानी दोहों और शब्दालियों के माध्यम से ही अपना वहां का ज्ञान दिया, सतलोक और सचखंड का। उन्होंने गद्य भाग में नहीं बोला और वो लिपिबद्ध किया गया। उस पद्य भाग को समझना जन साधारण के बस की बात नहीं, या तो परमात्मा ही बता सकें या वो संत ही बता सकते हैं जिन्होंने वो वाणी बोली, या फिर उनका कृपा पात्र जिसको परमात्मा सद्बुद्धि देते हैं वो फिर उन गूढ़ रहस्यों को परमात्मा की प्यारी आत्माओं के समक्ष सरलार्थ करता है। तो परमात्मा परमेश्वर कबीर जी ने हमारे ऊपर एक विशेष रजा बख्शी कि उस तत्व ज्ञान को इस समय तक ऐसे तरीके से लाए कि इन काल के दूतों को समझ में नहीं आई। ये राधा स्वामी पंथ तथा सच्चा सौदा पंथ ये एक ही कुएं का जल है। आगरा से श्री शिवदयाल जी से इस पंथ का ये प्रारंभ मानते हैं राधा स्वामी का। आगरा से ही एक जयमल सिंह जी नाम के पुण्यात्मा श्री शिवदयाल जी से दीक्षित हुए, फिर उन्होंने श्री शिवदयाल जी के मृत्यु के लगभग 11 वर्ष के उपरांत स्वयं ही व्यास नदी के किनारे पंजाब में एक डेरा स्थापित कर दिया, डेरा बाबा जयमल सिंह व्यास पंजाब में। उसके उत्तराधिकारी हुए सावन सिंह जी, श्री सावन सिंह जी के शिष्य हुए श्री खेमामल उर्फ बलोचिस्तानी सामस्ताना, जिसने सच्चा सौदा सरसा की स्थापना की। अपने आत्माओं समझदार को संकेत ही बहुत है, इन महापुरुषों को सचखंड का कख भी पता नहीं, ना सतपुरुष के बारे में जानकारी, और इतना ट्रोल जोड़कर काल के मुंह में झोंक दिया, करोड़ों व्यक्ति फूंक दिए, उस काल के जाल में डाल दिए इन्होंने, और अब भी ना मानते।
अब इनके गुरुओं ने एक मीटिंग की, राधा स्वामी नंदन सतगुरु जय गुरुदेव इन सब ने मिलकर आगरा में, और उसमें उन्होंने पहले तो ये देखा कि क्योंकि उनके भक्तों की शिकायत गई कि जी आपके विषय में एक रामपाल संत ऐसे ऐसे बोलता है, वो तो बहुत गलत कह रहा है। उन्होंने मीटिंग की, हमारी यहाँ से सीडी ले गए, वो उन्होंने सीडी देखा और सबको वहाँ बुला लिया। 600 एकड़ जमीन किराए, पहली जनवरी की बात है 2012 में जनवरी में, और खड़ी फसल का मुआवजा दे दिया, और ये सब जगह मुनादी करवा दी कि सबने आना है, गुरुजी एक नवी गल दसेंगे। तो इस श्रद्धालु तो पहुंच जाते हैं, पता नहीं क्या फार्मूला और बताओगे भक्ति का। कई लाख व्यक्ति इकट्ठे हो गए, 600 एकड़ जमीन उत्तराखंड, करोड़ों आदमी आ जाए उसमें। पहले तो उन्होंने डिस्कस किया कि रामपाल का क्या करें इसका, अब रामपाल का क्या करेंगे, पहले तो अपनी किताबा ने फूको इन, जब रामपाल का करियो कि मैं करोगे थे, तुमने लिख रखी तुम्हारे प्रवचन तुम्हारा ही ज्ञान, दास तो पढ़ के सुनावे है भाई, पुस्तक मोल ले रखी है, आप पढ़ो औरों को पढ़ाऊं, देखो ये महापुरुष ऐसा ज्ञान देते। फिर सीडी दिखाई, उनका नहीं समझ में आई कि अभी केस करेंगे तो किस पे करोगे, इनकी दूरी पोल खोलूंगा, फिर करके देखो एक बार, अगर ये थोड़ा सी हिम्मत कर लें तो इस पर बैन लग जाए पूरे पंथ पे, इसका एक भी शब्द जनता में नहीं जा सकता, इनका ऐसा बेहुदा ज्ञान है इन लोगों का, कख भी नहीं पता, दुनिया को करोड़ों लोगों को डबो दिया। फिर उन्होंने नवी गल ये दसी सबको कि किसी की पुस्तक नहीं पढ़ना और किसी की सीडी भी नहीं देखना, वो नहीं लेना। ये नवी गल दस के सबका थपकी मार के भेज दिए। अब वो श्रद्धालु बेचारे वो इन्होंने सोचे गुरु जी का आदेश हो गया, हमने किसी की पुस्तक नहीं पढ़नी, उनको इन्होंने पता ये काल के जाल में बांध दिए, तुम कति गठड़ी बांध के दर दिए और झोंक देंगे उनके अंदर, ज्ञान पढ़ने में क्या दिक्कत है, हमारा भी पढ़ो और उनका भी पढ़ो, हमारा भी सीडी देखो उनकी भी सीडी देखो, तब निर्णय होगा कहाँ जा रहे हो तुम। तो कहने का दास का तात्पर्य ये है कि इनके पास न तो कोई ज्ञान है मंत्र पांचों काल के, और ये सिरसा वाले सच्चा सौदा वालों ने थोड़ी सी भिन्नता कर ली, किसी ने कह दिया होगा कि ये तो ज्योत निरंजन ओंकार ररंकार सतनामादि ये तो सारे ही काल के जाप है, सतपुरुष का तो जिक्र भी नहीं इसमें, तो इन्होंने अपनी सूझबूझ से के लोग नूना कहेंगे ये काल के नाम हैं, तीन नाम चला दिए, सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, और यूं कहते हैं किसी को बताना नहीं। अब श्रद्धालु तो ऐसे होते हैं भाई नहीं बताना, अब ना बताने का कारण क्या होता है वो बताएगा दास आपको। अब ये अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम और सतपुरुष ये तो एक ही परमात्मा के महिमात्मक वचन शब्द हैं और पर्यायवाची हैं, जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर। अब जल कह दो, तीन कर्ण की क्या आवश्यकता है, जल कहो से पानी कह दो तो नीर कह दो, जल पानी नीर कहने से मोक्ष हो जाएगा, यानी सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम ये रटते रहो, नहीं उसको तो हमने खोजना है पाना है, जिसको सतपुरुष कहते हैं, जैसे जल है, जल को तो हमने पाना है, वो कितना आवश्यक है हमारे जीवन के लिए, तो कैसे मिले ये प्रोसेस अलग है, ये प्रोसीजर न्यारा है, बोकी लाओ पाइप लाओ और फिर बोकी मारो, जमीन के अंदर जल है वहां से प्राप्त करना है, और फिर जब बोकी और पाइप का कार्य जल तक पहुंचना है, जल को बाहर निकालना नहीं बोकी और पाइप का कार्य है, उसके बाद फिर मशीन लगेगी हैंड पंप,
वो हैंडपंप की भी फिर प्रैक्टिस करनी है, उसकी सेवा करनी है, उसका अभ्यास करना है। तो जब जल निकलेगा बाहर, जिसको हम खोज रहे थे, जल पानी नीर करने से नहीं, वो प्रोसेस अलग है, वो प्रोसीजर न्यारा है, वो इंस्ट्रूमेंट अलग है जिनसे वो साधना की जाएगी। दो अक्षर का सतनाम है जिसमें एक ओम मंत्र है, एक तत् मंत्र सांकेतिक है। इसकी बोकी लगानी है श्वास उश्वास से, ये दो अक्षर का सतनाम है। एक संत मत प्रकाश भाग चार है, श्री सावन सिंह जी द्वारा लिखी हुई, उसके वचनों का संग्रह, उसमें श्री सावन सिंह जी कहते हैं 261 पृष्ठ पे कि सोई गुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का भेद बतावे, कि ये गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा, ऐसा वो बोल रहे हैं। और फिर बताया है कि नानक साहब जी कहते हैं जे तू पढ़िया पंडित बिन दो अक्षर बिन दो नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए जेकर सत समावा। नानक साहब जी कहते हैं कि हे पंडित, यदि तू दो अक्षर के उस नाम बिना ते सारे ग्रंथों को घोट ले, इसे कोई लाभ नहीं होगा। अगर तूने ये दो अक्षर नहीं पढ़े, नहीं जाप किया, तो यूजलेस है। फिर कबीर साहब का रेफरेंस दिया है कि कह कबीर अक्षर दो भाक, होगा खसम तलेगा राख। अब कबीर साहब कहते हैं दो अक्षर के मंत्र का तू जाप कर, भाक माने बोल, जाप कर, और यदि इन दो अक्षर के नाम, यो सतनाम है, ये सतनाम सतनाम जाप का नहीं है, ये दो अक्षर का नाम सतनाम है, और होगा खसम तलेगा राख, यानी इस नाम का अधिकारी इस पृथ्वी पर 21 ब्रह्मांड में इस दास के अतिरिक्त कोई नहीं है, दो अक्षर के नाम को देने वाला। इनको पता ही नहीं देंगे टट्टू, ये इन्हें सतनाम का ना पता तो क्या है, सतनाम सतलोक है, सचखंड है, सतनाम सुथान है, सतनाम सतपुरुष है, सतनाम सतलोक भी सतनाम को कहते हैं, सार शब्द भी सतनाम को, सत शब्द भी सतनाम को। तो ये अधिकारी है, ये इनको कख भी पता नहीं किसी भी दात मार्ग का, और इतनी दुनिया को काल के मुंह में झोंक दिया। तो इसका देने का अधिकारी इस वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त कोई नहीं था, और पहले इन महापुरुषों को मना कर दिया था जिनको ये सतनाम परमात्मा ने दान किया था। अब दो अक्षर का ही सतनाम है, इसका अधिकारी से लिया हुआ जाप करोगे तो इसका समय आने पर आपकी रक्षा होगी और सचखंड प्राप्त होगा। लेकिन सार शब्द आदि नाम, जिसको सार नाम कहते हैं, सार नाम अर्थात आदि नाम के बिना फिर भी काम अधूरा। एक सतनाम एक सार नाम, सतनाम में दो अक्षर है, एक ओम एक गुप्त। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि सो हम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छपाए। अब ये सार शब्द जो है, ये समझो हैंडपंप है, ये सार नाम हैंडपंप है। जैसे बोकी मार ली, पानी तक पाइप पहुंच गई, पाइप लोअर कर दी, डाल दी, फिर हैंडपंप लगाना पड़ेगा ऊपर, और फिर उसको ऐसे, उसकी भी वो भी जाप करने का है, वो भी जाप करना पड़ेगा, फिर वो जल पानी नीर प्राप्त होगा, वो सतपुरुष अकाल पुरुष सब स्वरूपी राम न्यो प्राप्त होगा। इस तीन मंत्र के जापते हैं, इस अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष, इससे नहीं। एक तो दो अक्षर का सतनाम और तीसरा वो आदि नाम सार नाम। तो श्वास उश्वास के जाप करना पड़ेगा इस सतनाम का, एक ओम मंत्र है गुप्त है, और फिर उसके बाद ये दास आपको सारनाम देगा जब आपकी पाइप जल तक पहुंच जाएगी, तब ये सारनाम काम करेगा, अन्यथा करे नहीं। और कबीर सागर में स्पष्ट किया है कि परम संत जो होगा वो तीन बार में दीक्षा पूरी करेगा, तीन बार में दीक्षा देगा। आज तक जितने भी कबीरपंथी हैं या जितने भी ये अन्य पंथ हैं,
राधा स्वामी धन धन सतगुरु पंथ, ये सब एक ही बार में इनके पास तो है वो एक आज्ञा पात से नीम तले। ये अकाल मूर्त सबद स्वरूपी राम सतपुरुख बस दे दिया जाओ। एक यो रंकार ज्योत निरंजन ओंकार, ये तीनों चारों काल के नाम, और बात करें सतलोक जान की, इन्होंने स्वयं ही अपने पैर पर कुवाड़ा मार लिया। कबीर परमेश्वर जी का एक शब्द है, करने नो दीदार मेल में प्यारा है, वो शिवदाल जी का समझ में आया ना, उसमें से इसने पांच नाम इसमें निकाल लिए ये। लेकिन वो ओरिजिनल नाम भी इसी मंत्र इसी शब्द के अंदर है, मूल कमल का, नाभि कमल का, हृदय कमल का और स्वाद कमल का और कंठ कमल के, वह भी मंत्र इसमें है। वह ना इनका हाथ लग गए कि उनको पता ही नहीं ना ये अधिकारी इन मंत्रों के देने के। शिवदयाल जी का जो फाउंडर ऑफ द राधा स्वामी पंथ है उसका कोई गुरु नहीं, तो न्युग्रह आदमी पंथ चलावे। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं ते पूछो वेद पुराण। रामकृष्ण से कौन बड़ा उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वेद नहीं गुरु आज्ञाधीन। तो इस प्रकार इन्होंने ये पांचों नाम काल के जाप करते हैं, इन सतनाम का ये नहीं पता आज तक, हे भगवान ये क्या करने का है, खाने का है, पीने का है, ये कोई स्थान है या कोई नाम का जाप है। कहीं कहते हैं ये सतनाम असली राम है, सतनाम सचखंड है, सतनाम सचखंड को कहते हैं, कहीं कहते हैं सतनाम स्थान है, फिर सतनाम सतपुरुष भी सतनाम है, सतलोक भी सतनाम है, सारनाम भी सतनाम है, सार शब्द भी सतनाम है, और सतनाम भी सतनाम है। हुआ वायु बांडे जो कि बांग पी का बोल लिया आदमी, और बताते हैं हम सतलोक जाएंगे सचखंड जाएंगे। अब शिवदयाल जी तो जा लिया सचखंड, वो तो बुक की में बोल रहा था, अपनी शिष्या में भूत बनकर अपनी शिष्या बुक्की के अंदर बोलकर फिर ओका पीवे और भोजन खावे, हो गया पार शिवजाल तो। और यही सबके साथ बनेगा जो ये नाम जाप करते हैं, जितने भी राधा स्वामी पंथ से संबंधित पुणात्मा हो, दास आपके ऊपर एक रहम कर रहा है, भले ही आज बुरा लगू आपको, एक दिन आप रोया करोगे और गुण गाया करोगे इस दास का। दास को मालूम है मैं कितना खतरा मोल ले रहा हूँ इन नकलियों को छेड़छाड़ के, लेकिन ये मेरा कर्तव्य बन गया, मुझे ज्ञान हो गया कि अपनी जान पर खेल कर भी इनसे काल के दूतों से छुटवाऊंगा परमात्मा की आत्माओं को। और परमात्मा स्वयं भी इसी उद्देश्य से आए थे कि मेरे बच्चों को मेरी जानकारी हो, ये यहाँ कितना कष्ट उठा रहे हैं, कोई गधा बना है, कोई कुत्ता बना है, कोई सूअर बनकर गंदगी खा रहा है, और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा भगवान कौन है। दास का उद्देश्य यही है कि किसी ना किसी तरह ये पुण्यात्मा एक बार पुनः देख ले इन सदग्रंथों को जो दास दिखाना चाहता है। आज बुद्धिमान समाज है लेकिन श्रद्धालु इतना है ये भगवान के चाहने वाली आत्माएं कि जो गुरु जी ने कह दिया उसकी अवहेलना नहीं करनी, लेकिन असली गुरु की बात कोई अवहेलना नहीं करनी। ये तो नकली है सारे, इन कख भी पता नहीं है क्या के गुरु हैं, ना तो ये हिंदुओं के गुरु असली, सारे नकली, इन आज तक जो नहीं पता वेदों और पुराणों में लिखा क्या है, निराकार निराकार पर घाटा जोड़ रखे इतने दिन हो गए। परमात्मा वेदों में लिखा है वो साकार है, मनो सदृश है, वहां से गति करके शरीर आता है, यहाँ आकर अच्छी आत्माओं को मिलता है। पुराणों में आज तक नहीं समझ पाई है ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, ये गुरु हैं, ये नकली डुबो दिया सारा मानो। तो पुण्यात्माओं अब जागो, ध्यान से इस दास के वचनों पर कुछ अमल करो, देखो अपने सदग्रंथों को और संभलो और चलो सतलोक में जहाँ कोई कष्ट नहीं। अब जो प्रसंग चल रहा है, दो अक्षर के नाम से मोक्ष होगा वो इनके पास नहीं, तो ये पूरे गुरु कहाँ से हो गए, कुछ तो सोचो। इनकी अपनी कलम से लिखे हुए पर तो देख लो ये कितना ज्ञान रखते थे। तो अब दास जो निर्णय करके आपको देना चाहता है कि
कौन सा ज्ञान ठीक है कौन सा गलत है इसका निर्णय हम परमात्मा की अमर वाणी से, जिसने स्वयं आकर के बताया, साथ में उन महापुरुषों को जिनको हम मोक्ष प्राप्त मानते रहे हैं और उनके द्वारा उनके अमृत वचनों को अपने सत्संगों में भी लेते रहे हैं, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव वाले, ये सभी, वो कौन है? स्वयं परमेश्वर, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी, आदरणीय धर्मदास साहेब जी, आदरणीय मलुकदास साहेब जी, आदरणीय नानक साहेब जी, आदरणीय दादू साहेब जी, आदरणीय गरीबदास साहेब जी, गांव छुड़ानी जिला धज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहेब जी, गांव खेखड़ा उत्तर प्रदेश जिला मेरठ, आदरणीय गरीबदास साहेब जी और आदरणीय गीसा दास साहेब जी के विषय में इन राधा स्वामी पंथ वालों को विशेष ज्ञान नहीं था, ये भी रजा थी दाता की। इन्होंने इधर ध्यान नहीं दिया क्योंकि इनके अंदर काफी निर्णायक तरीके से उस सतनाम का जिक्र किया हुआ है। तो इन्होंने ऊपर जितने भी महापुरुष आपको बताया उनकी वाणियों को ये सत्य मानते हैं और उनको मोक्ष प्राप्त मानते हैं। उन्होंने परमात्मा को बताया कि वो मनुष्य दृश्य है और वही परमात्मा, पूर्ण परमात्मा, सत्पुरुष स्वयं आकर के इन महापुरुषों को मिले हैं। आदरणीय नानक साहेब जी को बेई नदी के ऊपर सुल्तानपुर शहर पश्चिमी पाकिस्तान में है, पहले ये भारतवर्षी था, तो वहाँ नदी पर स्नान करने के लिए गए हुए थे, वहाँ परमात्मा आए जिंदा महात्मा के रूप में। और प्रत्येक दृष्टा भी ये देखते हैं कि एक संत के साथ वो दरिया में छलांग लगा के बाहर नहीं आए, परमात्मा ने उनको अंतर्ध्यान किया, कबीर परमेश्वर जी ने, बाबा जिंदा के रूप में आए थे वो, अंतर्ध्यान करके नानक साहेब जी को जिधर जल जा रहा था उससे विपरीत दिशा में ले जा करके कहीं उनके शरीर को छुपा दिया, आत्मा को लेकर के सचखंड गए। वहाँ नानक साहेब जी ने देखा सतपुरुष को, कबीर परमेश्वर को, जो नीचे से जिंदा बाबा के रूप में उनके साथ गए थे, ऊपर जाकर के परमात्मा सतलोक के अंदर एक बहुत बड़े सिंहासन पर विराजमान है, बहुत बड़ा गुमज है वहां पर, उस गुमज के अंदर एक मंदिर नुमा गुमज है, उसके बीच में बैठे हैं परमात्मा, और नीचे से गए थे बाबा जिंदा के रूप में कबीर साहेब नानक जी के साथ में, चौर करने लगे कबीर साहेब यानी बाबा जिंदा के वेश में, अपने ही दूसरे रूप जो तकत पर विराजमान थे परमात्मा अन्य रूप में, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसा एक रोमकूप का प्रकाश। तब नानक साहेब जी ने अपनी सोच से ये सोचा कि रब तो ए है जिड़ा तकत पे बैठा है, इतनी देर में क्या हुआ कि तकत पर बैठे हुए तेजो में शरीर युक्त परमात्मा खड़े हुए और कबीर परमेश्वर जी विराजमान हुए, जिंदा बाबा वाले रूप में नीचे से गए थे और तेजो में शरीर जो था वो चौर करने लगा बाबा जिंदा वाले वेश पर अपने ही दूसरे रूप पर। अब नानक साहेब जी असमंजस में पड़ गए कि ये क्या चक्कर है, बाबा जी के ऊपर और भगवान सेवा कर रहा है, चौर कर रहा है, इतने में क्या देखा, वो तेजो में जो शरीर था वो बाबा जिंदा वाले वेश में समा गया और अकेले बाबा जिंदा रूप में कबीर भगवान असंग ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर विराजमान रह गए। चंवर अपने आप हो रहा था, अपने आप हवा में मालिक की दया से। तब नानक साहेब जी ने देखा को आए गुरु, वो हो ये है भगवान, ये तो स्वयं ही। तब मालिक ने कहा था कि प्यारी आत्मा, ये सारा संसार काल के जाल में फंसा हुआ है, श्री नानक साहेब जी भी पहले विष्णु जी के उपासक थे, गीता जी का पाठ किया करते थे, राम और श्री कृष्ण का जाप करते थे, ब्रजलाल पांडे से ये गीता पढ़ा करते थे, परमात्मा ने इनको वहाँ गीता के विषय में बताया कि गीता श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला, वो तो काल ने बोला, और वो अपने से अन्य परमात्मा के विषय में कह रहा है वो परमात्मा मैं हूँ,
वहां जाने के बाद तो नानक साहब जी को सारी बात समझ में आ गई, सारी कहानी सृष्टि रचना सुनाई। 3 दिन तक रखा कबीर भगवान ने उस महात्मा को, नानक साहब जी को। 3रे दिन उनको शरीर में वापस छोड़ दिया और साथ में ये भी कहा था कि ये सतनाम से मोक्ष होगा तेरा। कोई भी प्राणी है सतनाम के बिना उसकी मुक्ति नहीं, कोटि नाम जहान में उनसे मुक्ति ना हो, और सार नाम मुक्ति का दाता हुआ को जाने ना कोई। तो नानक साहब जी से कहा था कि मैं काशी शहर के अंदर बनारस में वहां एक धानक रूप में रह रहा हूं, जुलाहे रूप में, आप वहां आना पृथ्वी पर, वहां तुझे सतनाम दूंगा। अब नानक साहब जी को और सारी बात समझ में आ गई कति 100%, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलवाया उनको। ब्रह्मा विष्णु महेश से पूछा कि आपकी आयु कितनी है, उन्होंने बताई हमारी इतनी आयु है, उसके बाद हमारी मृत्यु होगी, कहाँ जाओगे पता नहीं कहाँ जाएंगे। उसके बाद नानक साहब जी गद गद हो गए, कह रहे सचमुच हम तो डड़े ढोरे थे। उनको फिर वापस छोड़ा, 3रे दिन वापस आए, नौकरी करते थे एक नवाब के यहाँ, नौकरी त्याग दी और ऐसा ही वेशभूषा बना करके जिस रूप में परमात्मा मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में, ऐसा ही चोला पैर के ऊपर शरीर के ऊपर कपड़ा और चल पड़े बनारस की तरफ। प्रथम उदासी, उदासी माने संसार से विमुख होकर के, उदास होकर के परमात्मा की खोज और प्रचार के लिए वो चले। प्रथम उदासी उनकी बनारस की है। अब रस्ते में वो पूछते चले गए कि ये ज्ञान कहीं और भी किसी को है क्या नहीं, जो भी कोई साधु संत डेरा मिलता वहां जाकर के प्रश्न करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, सभी कह देते थे ये तो अधरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। नानक साहब जी आगे तुर जाते थे, आगे चल पड़ते कि नहीं इनके खक नहीं पता इनको। ऐसे चलते चलते कहाँ पहुंचे, रामानंद जी के पास, ब्राह्मण के पास, कि उससे बात करूं, उससे भी चर्चा करूं। रामानंद बहुत पहुंचे हुए महापुरुष माने जाते थे बनारस के अंदर। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है आपका? कीर्ति शर्मा। कीर्ति जी कहाँ से आए आप? मैं महाराष्ट्र मुंबई से हूँ और मैं टीचिंग लाइन में हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? इनसे मैं, संत रामपाल जी महाराज से मैं 9 फरवरी 2017 को जुड़ी हूँ। आप फरवरी 2017 में संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं, इसका मतलब बरवाला की घटना के बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? हाँ सही बात है। ये एक आश्चर्यजनक बात है कि आपने बरवाला की घटना के बाद संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। क्या आप जानते थे कि संत रामपाल जी महाराज जेल में है? हाँ, जब मैंने नाम दीक्षा ली थी मुझे हर चीज़ का ज्ञान था कि संत रामपाल जी महाराज जेल में है, उसके बावजूद मैंने नाम दीक्षा ली है क्योंकि उनकी जो नॉलेज है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी है और उनकी जो भी उन्होंने है ना लोगों को ज्ञान दिया है उसमें कहीं पे भी मुझे ऐसे नहीं लगा है कि वो किसी मानव जाति के विरुद्ध बोल रहे हैं या किसी को प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। उनके जो भी मतलब उन्होंने नॉलेज दी है वो मानव जीव के कल्याण के लिए है। यदि आपसे कारण पूछा जाए कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली क्यों, तो क्या कहेंगे? एक्चुअली हम बहुत ही प्रॉब्लम में थे और इसके पहले प्रॉब्लम में थे, मतलब जैसे जो भी मनुष्य प्रॉब्लम में रहता है धरती पर वो सबसे पहले और कुछ वो नहीं है, सल्यूशन नहीं है तो हम भगवान के पास जाते हैं। उसी तरह हम भी जो दुनिया में जो अभी तक चली आ रही है प्रथा, मूर्ति पूजा वगैरह है, हम वही कर रहे थे मगर उन चीज़ों से हमें कुछ भी सल्यूशन नहीं मिला। यहाँ तक कि जितनी पूजा कर रहे थे उतना ही हम खड्डे में जा रहे थे अगर ऐसे कहा जाए तो बहुत मतलब हमारे पास कोई चारा ही नहीं था। और तभी ऐसा हो गया जैसे संत रामपाल जी महाराज ने ही हमें बताया है कि बेटा तू मेरी राह पे आ जाओ। यदि आपसे पूछा जाए कि आपको परेशानियाँ क्या थी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने की, आखिर आपको जरूरत क्या आन पड़ी, ऐसी क्या परिस्थितियाँ हुई कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की जरूरत पड़ी? मेरे जो भगत जी हैं, मेरे हस्बैंड हैं, उनको बहुत ही बुरी आदत थी जुआ खेलने की। वो खुद रिग लाइन पे हैं,
लाख सवा लाख 1.5 लाख तक कमा लेते हैं, मैं खुद टीचर हूँ, मेरी इनकम घर पे आती है, उसके बावजूद हमारा 2 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट प्लस मेरे पास जो भी गहने वगैरह जो मटेरियल वर्ल्ड कहते हैं वो सभी था हमारे पास। और इनकी इसी बुरी आदत की वजह से हमने सब कुछ खो दिया है। आज हम रेंट के फ्लैट पे रह रहे हैं और तब भी इनकी पेमेंट अच्छी है, मेरी पेमेंट अच्छी है, तब भी हम अच्छे से गुजारा कर सकते हैं रेंट के फ्लैट पे, तब भी हमारे पास पैसे नहीं बचते हैं, जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। मेरे भगत जी को हस्बैंड को पता भी चलता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, तब भी पता नहीं किस प्रकार का उनमें खिंचाव था कि उस काल की दुनिया में जो मैं कह रही हूँ, जो मैंने अभी यहाँ पे सीखा है, उस काल की दुनिया में वो कैसे खींचे चले जाते थे। उन्होंने मेरी कसम ली, मेरे बच्चे की कसम ली, मगर कुछ फ़ायदा नहीं था। मगर जब से जिस दिन से हमने 9 तारीख से जो नामदान लिया है, 10वें दिन से मेरे भगत जी ये बोल रहे कि कीर्ति मुझे वहाँ पे जाने की इच्छा भी नहीं होती है, वहीं लॉटरी खेलने के लिए। हमारे पास दूध लेने के लिए भी पैसे नहीं थे। आज इसी चीज को 6 महीने हो गए और मेरे हस्बैंड वहाँ पे जाने का नाम तो छोड़ दो, अब उस गली से भी गुजर जाते हैं ना तो बोलते कि अब जैसे नफरत सी होने लगी है मुझे उस चीज से। तो इतना बड़ा हमने सिर्फ 6 महीने में इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज संत रामपाल जी महाराज की वजह से ही देखा है। आपको लगभग 6 महीने ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हुए हैं, तो आपकी आर्थिक स्थिति में इतना सारा बदलाव कैसे हुआ? पहली बात तो जहाँ जो कमाए हुए पैसे हमारे चले जाते थे वो बचने लगे हैं। लोन वगैरह कर्जा वगैरह है, अभी भी है, मगर जो हम पूरी तरह जो डूब रहे थे ना पानी में, मेरे गुरुजी ने हमें यहाँ तक उठा लिया है। कम से कम हम सांस ले सकते हैं, सुकून से जी रहे हैं। पता है कि लोगों का कर्जा भरना है और जो प्रकार से लोग हावी होके हम पर आते थे कि भाई पैसे देना है, ये है वो है, आज वही लोग प्यार से बात कर रहे हैं, वो रुक भी रहे, उनको वो जो लोग हमें समझने की कोशिश में नहीं थे, समझना ही नहीं चाहते थे, आज वो लोग हमें समझ भी रहे हैं कि भाई ठीक है तू टाइम ले ले, जब तेरे पास पैसा आएगा तब तू दे देना। मतलब ये बात आपके पति को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ही कैसे समझ में आई कि जुआ नहीं खेलना चाहिए, जो बुरी आदतें थी उनकी वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ही क्यों छूटी, ऐसा क्या परिवर्तन आया? देखिए मुझे तो मुझे लगता क्या, मुझे विश्वास है कि ही इज़ द ट्रू गॉड फॉर मी। क्योंकि अगर जब हम पहले भी साधना भक्ति वगैरह सब किया करते थे, मैं कृष्ण जी का जाप करती थी, वो ओम नमः शिवाय का जाप करते थे, जब हमारा घर बिका तब भी हमने बहुत जाप और मंत्र जाप ये सब किया था कि भगवान हम ऐसा ना हो कुछ कि हमको रेंट के फ्लैट वगैरह पे रहना पड़े, तब क्यों नहीं भगवान ने हमारी सुनी, तब तो हमारा सब सत्यानाश हो गया। और रामपाल जी महाराज के पास आने के बाद से इतना सुकून, मतलब जो भी कर्जा वगैरह है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, मन को सुकून मिल रहा है, टेंशन मुसीबतें आती मगर कैसे निकल जाती है पता ही नहीं चलता है, बड़ी आसानी से हंसते खेलते, और टेंशन जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं लग रही है अभी हमें, अब बस ऐसे ही लगता है कि हमें बस भक्ति करना है और भगवान है ऊपर करने का। आपको तकरीबन 6 महीने ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हुए हैं, उसके बाद आपका संत रामपाल जी महाराज में इतना भाव है और आपको पता है कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आप सही कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में है, मगर जब हम जुड़े थे तब हमने ऐसे कुछ सोचा नहीं था कि वो जेल में है, बस हमें नामदान लेना था क्योंकि हमें हमारी परेशानियों से दूर होना था। जब हमने उनका नाम ग्रहण किया और उसे जाप मंत्र जो भी उन्होंने दिया है संत रामपाल जी महाराज ने, उसको हम जब हमने जपना वगैरह शुरू किया था, तब हमने खुद एक्सपीरियंस किया कि हमारी आर्थिक स्थिति में भी लाभ हो रहा है, देर आर चेंजेस इन आर फाइनेंशियल एज वेल एज हेल्थ, एंड देन वी स्टार्टेड फीलिंग लाइक व्हाई दिस काइंड ऑफ संत इज put behind the bars. It's a biggest question mark for our Indian government who has come over here to give relief to all our citizens, to all our mankind,
एंड इट्स रियली वेरी पिटिएबल थिंग, वेरी बैड, लाइक वेरी सोरोफुल थिंग दैट बीइंग बिहाइंड द बार्स ही इज डूइंग सो मच ऑफ गुड फॉर पीपल. वॉट इफ ही विल बी आउट ऑफ द बार्स, वॉट miracle he is going to do for all of us. And we have not even seen him. We are literally dying to meet and we are literally dying to touch his feet when he'll be out. देखिए आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड पर्सन हैं आप. संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि साधारण सी वेशभूषा रखते हैं, कंठी माला ही नहीं रखते हैं, भगवा कपड़े नहीं पहनते हैं. एक ऐसा व्यक्ति संत कैसे हो सकता है? क्या आप उन लोगों की बातों से इत्तेफाक रखते हैं जो ये कहते हैं कि जो साधारण सी वेशभूषा रखते हैं वो संत कैसे हो सकते हैं? डेफिनेटली संत होना ज़रूरी नहीं है कि भगवा कपड़ा पहन लेना है, माला वगैरह कर ले लेनी है. संत इंसान मन से होता है, विचारों से संत होता है, दूसरों के प्रति उनकी क्या भावना है उससे संत होता है. तो इसलिए मैं नहीं मानती हूँ कि जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, तिलक लगा लिया है और दुनिया भर के ढोंग वगैरह कर रहे वही संत है. संत रामपाल जी महाराज ही एक मेव संत है, वही परमेश्वर है. मुंबई जैसे शहर में रहने के बावजूद क्या आप इन बातों में विश्वास रखते हैं कि किसी मंत्र के जाप से या संत के आशीर्वाद मात्र से इस तरह के लाभ होते हैं? मैं पहले से ही भगवान के राह पर, मतलब पहले से ही मुझे विश्वास है कि भगवान है. इसीलिए मेरा पहले से ही आध्यात्मिक उसमें भी काफ़ी लगाव था, रुचि थी. काफ़ी बार मतलब फ्रेंड्स लोगों के साथ भी बैठना जो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के है, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, उन लोग भी जो अपनी बातें शेयर करते थे वो भी मैं सुनती थी. तो मतलब मुझे भगवान में रुचि तो पहले से ही थी, उन पर विश्वास भी पहले से ही था. सिर्फ इतना ही था कि करेक्ट वे ऑफ वर्शिप वो मुझे नहीं पता थी, जो मुझे अभी पता चली है. आप बॉम्बे जैसे शहर में रहते हैं, बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि जो बॉम्बे शहर में अभिनेता रहते हैं उनको देखा जाए. यदि आपसे बात की जाए तो आपके रियल हीरो कौन है? रियल हीरो अभी तो संत रामपाल जी महाराज है. और जिन अभिनेताओं की आप बात कर रहे हैं वो उनका प्रोफेशन है, वो कमाने के लिए कर रहे हैं, लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं और उनके घर तो भरे जा रहे हैं, बाकी लोगों के दुख से उनको क्या मतलब है. मगर जो हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं वो आए हैं दूसरों का दुख दूर करने के लिए. वो नशा मुक्त जीवन की प्रेरणा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़े एग्जाम्पल मेरे हस्बैंड ही हो गए हैं. ही इज डिनाइंग फॉर डाउरी सिस्टम ऑल्सो एंड लाइक कितने सारे मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह जो है जो देखा गया है, मतलब लोगों को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, उन सभी चीज़ों से वो उनको छुटकारा दिलाने आए हैं, उनकी प्रोग्रेस करने आए हैं. और आप रिसर्च भी कर सकते हैं, जैसे तीन घंटे की अगर लोगों ने मूवी देखी है और 3 घंटे का सत्संग सुनाइए संत रामपाल जी महाराज का, आप गारंटीड जिन्होंने सत्संग सुना है 3 घंटे का उनमें आप काफ़ी बदलाव देखेंगे कंपेयर टू जिन्होंने 3 घंटे की फिल्म देखी है. और जो बदलाव उनमें आएगा और उन लोगों ने अगर ग्रहण कर लिया तो वो लाइफ टाइम तक उनके लिए एक बहुत अच्छी सीख हो जाएगी और वो अपने लाइफ को काफ़ी प्रोग्रेस की ओर ले जाएंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. सत्साई. आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्व